हाय गाइस, फाइनली रियलमी ने अपने रियलमी 13 प्रो सीरीज को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अब रेडमी भाई साहब कैसे चुप रह सकता है? इसे कड़ी टक्कर देने के लिए रेडमी भी बहुत जल्द रेडमी नोट 14 सीरीज को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। इसके फर्स्ट लुक के साथ साथ काफी सारी स्पेसिफिकेशंस भी रिवील कर दिए गए, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस सीरीज के अंदर हमें तीन स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। पहला होगा रेडमी नोट 14 एंड दूसरा होगा रेडमी नोट 14 प्रो। दोनों स्मार्टफोनों की फर्स्ट लुक बाहर आ चुकी है, देख सकते हो। दोनों फोन कुछ ऐसे लुक एंड डिजाइन के साथ इस बार आने वाले। कैमरा मॉड्यूल टोटली चेंज कर दिया गया, कुछ ऐसा कैमरा मॉड्यूल हमें देखने को मिलने वाला है। बैक में ग्लूसी ग्लास की फिनिशिंग रहने वाली है। अब सच बताऊं ना तो इस बार का मुझे लुक एंड डिजाइन पर्सनली कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं लगा है। आपका क्या ओपिनियन होता है, आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी बात करें यहाँ पे रेडमी नोट 14 प्रो प्लस की, तो इसका भी लुक एंड डिजाइन देख सकते हो बाहर आ चुका है। ये फोन कुछ ऐसा में देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे बैक में वेगन लेदर की फिनिशिंग दी जाएगी। दो तीन कलर कॉम्बिनेशन रहने वाले बैक में एंड फोन पे IP68 की वाटरप्रूफ वाली रेटिंग का सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो लुक एंड डिजाइन तो ऐसे रहने वाले हैं। अब बात करें इसके अंदर की स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले बात करें रेडमी नोट 14 प्रो की, तो इस बार ये फोन आने वाला है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाले प्रोसेसर के साथ। पिछली बार आया था स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 के साथ, तो डेफिनेटली इस बार परफॉर्मेंस में हमें थोड़े से इंप्रूवमेंट मिलेंगे। डिस्प्ले की बात करें तो इस बार प्रो वाले वेरिएंट में हमें 6.67 इंचेस की एक 1.5 की रिजोल्यूशन वाली एक फ्लैट ओएलईडी डिस्प्ले दी जाएगी विद 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। अब यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन को यूज किया जा रहा है, तो डिस्प्ले बेस्ड काम करने वाला है। इसके अलावा रियर पे 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर होगी। अब यहाँ पे कौन सा सेंसर यूज किया जाएगा, इसके अलावा दो और सेंसर कौन कौन से होंगे, ये फिलहाल अब तक कन्फर्म नहीं किया गया। बस ये बता दिया गया कि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का ही रहेगा। बाकी बात करें रेडमी नोट 14 प्रो प्लस की, तो यहाँ पर दिया जाएगा डायमेंसिटी 7350 वाला प्रोसेसर। पिछले बार 7200 प्रोसेसर के साथ आया था, तो इस बार भी परफॉर्मेंस पे यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट मिलेंगे। और इसका भी मेन कैमरा प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा दो और सेंसर कौन से होंगे और मेन सेंसर में कौन सा सेंसर यूज किया जाएगा, वो फिलहाल कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन इस बार यहाँ पे हमें पेरिस्कोप लेंस भी देखने को मिलेगा, जो कि कैमरा के जूमिंग क्लियरिटी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने वाला है। एंड डिस्प्ले यहाँ पर हमें 6.67 इंचेस की देखने को मिलेगी, जो कि 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ आएगा। और यहाँ पर कर्व एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाला है। बाकी डिस्प्ले पे HDR 10 प्लस तो हो गई, लेकिन पिक ब्राइटनेस कितना दिया जाएगा एंड 10 बिट डिस्प्ले दिया जाएगा या 12 बिट डिस्प्ले दिया जाएगा, ये फिलहाल अब तक कंफर्म नहीं किया गया है। अब बात करें सबसे लाइटर वाले वेरिएंट की, जो कि होगा रेडमी नोट 14। इसमें हमें दिया जाएगा डायमेंसिटी 6300 वाला प्रोसेसर। ये फोन का तो सिर्फ प्रोसेसर को ही बताया गया है, इसके बाद कैमरा क्या होगा, डिस्प्ले क्या होगा, ये अब तक बाहर नहीं आया, क्योंकि धीरे धीरे करके स्पेक्स को रिवील किया जाता है, एक साथ ही स्पेक्स रिवील नहीं होते। बाकी देखते हैं, जो भी स्पेसिफिकेशंस और आगे रिवील किए जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब बात करें कब तक ये सीरीज इंडियन मार्केट में आ सकता है, तो देखो अभी लीक्स आने स्टार्ट हुए, तो 2 से 2.5 महीने लेकर चलो तभी ये फोन हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। यानी कि अगस्त नहीं सितंबर के एंड तक हो सकता है ये फोन हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिले। बाकी आप लोग बताने की इस सीरीज को लेकर आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं हो, कमेंट करके अपना ओपिनियन मुझे जरूर से बता देना। तो ये देखा इस रेडमी नोट 14 सीरीज से जुड़े कुछ डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे जो भी डिटेल्स बाहर आएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते रहिए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।